हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से संबंधित। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इन सब कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले CSB बैंक का आईपीओ आया और आज उज्जीवन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसकी भी जो डेट है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि और जो आईपीओ हैं उनके बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। ओके, और मैं आपको इसी प्रकार के वीडियो लेके बता रहूँगा दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप डीमैट ओपन कराना चाहते हैं तो इस कंपनी से आप डीमैट ओपन करा सकते हैं। इनका ब्रोकरेज है 0% ब्रोकरेज और आपको फ्लैट 10% टेन पर ट्रेड मिलेगा। और इस और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट टेलीग्राम है और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और मैं आपको जो बॉक्स है उसमें एक लिंक दूंगा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जुड़ के जो भी आने वाली जानकारी है सबसे पहले हम वहाँ पर अपडेट करते हैं तो उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। अब कुछ आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो सबसे पहले जो इसकी ओपन है यहाँ पे देखिए 2 से 4 तक ये ओपन है, अगले महीने में 2 तारीख से 4 तक इसका ओपन रहेगा। और ये 750 करोड़ के लिए आईपीओ लेके आ रहे हैं और इनकी फेस वैल्यू है इसकी 10 पर इक्विटी शेयर और इसका इशू प्राइस है 36 to 37 पर इक्विटी शेयर, मतलब एक शेयर का प्राइस 36 से 37 रहेगा। और एक और आप अगर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्या है 400 शेयर, मतलब आपको 400 शेयर खरीदने पड़ेंगे, एक लॉट खरीदना पड़ेगा। तो एक लॉट 14,400 और 14,800 में है और इसकी जो BSE और NSE ये दोनों पे अपना IPO लेके आ रहा है। और इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं। देखिए ये जो उज्जीवन है इसकी पहले एक होल्डिंग कंपनी भी है, उज्जीवन होल्डिंग सर्विसेज, अभी ये अपना आईपीओ लेके आ रहा है, ठीक है, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस पे इसकी कंपनी है। तो ये जो कंपनी है 14 साल से इंडिया में फिलहाल वर्क कर रहा है, 385 ATM इसके और 24 स्टेट में प्रेजेंटली अब ये वर्क कर रहे हैं और 233 जिलों में ये वर्क कर रहे हैं। 43 लाख इनके बोरोवर हैं, एक्टिव बोरोवर हैं, ओके 49 लाख इनका वेस है कस्टमर का और 552 इनके बैंकिंग टच पॉइंट्स हैं और 16,347 एम्प्लॉय इनके साथ अभी वर्क कर रहे हैं 30 सितंबर 2019 तक। और ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ये जो कंपनी है जो बैंक है इनका इम्पोर्टेंट वर्क क्या रहता है, जो इकोनॉमिकली औरतें रहती हैं पुअर उनके लिए ये प्रोवाइड करते हैं लोन, स्मॉल साइज के लोन। और MSME जो बहुत पुअर एंटरप्राइज उनके लिए भी ये अभी फिलहाल में कर रहे हैं और ये एक्सपांड करना चाहते हैं, इसके लिए ये IPO लेके आए हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, अभी इनकी जो ये 7 BO हैं इनमें ये अभी प्रोवाइड कर रहे हैं लोन, एग्रीकल्चर में, अफोर्डिंग हाउसिंग में और बैंकिंग पर्सनल में भी हैं और कुछ MSME लोन्स भी। अब इनके बारे में कुछ और अभी जानकारी देखते हैं। देखिए यहाँ पे इनका जो एसेट्स है 31 मार्च 2018 में था 94,728 और 31 मार्च 2019 में था 1,37,422 करोड़, ओके। और फिलहाल में ये एसेट्स है 1,61,78,000 और ये इन्होंने जनरेट किया है देखिए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, तो 3,54 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने अभी कमाया है, ओके। तो इसके बारे में दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आपको दी और जैसे भी कोई जानकारी आती है तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बट सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस
इतना ही, थैंक यू दोस्तों।